सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके है। बिजनेस लाइन में एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके को वापस लेना मोदी गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट है। इस बात को अभी राज्यसभा के मेंबर तथा बीजेपी के जाने माने लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है। आप सब जानते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर इशू को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर का काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को समर्थन करते हुए कहा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने वाली कोई भी बात नहीं बची है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर भी मध्यस्थता करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये बात कह सकते हैं कि वो भारत को वो जगह लौटा दे जिसे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर बीजेपी सरकार ये प्रूव कर चुकी है कि वो भारत की अखंडता को बजाय रखने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं, और अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करना बीजेपी सरकार का नेक्स्ट टारगेट है। अगला अपडेट कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इंडियन सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। आप सबको पता होगा कि ये जगह करीब 19,500 फीट की ऊंचाई में मौजूद है, जहां पर जाने के लिए चाइनीज टेरिटरी से होकर ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है, और हर साल जून से सितंबर के बीच इस यात्रा को आयोजित किया जाता है, जिसे हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अरेंज करती है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से इंडियंस को मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए वीजा देने के लिए इनकार कर दिया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि पहले तो जब चाइना जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, तो इंडिया की तरफ से सीधे शब्दों में उनको बोल दिया गया ये हमारा अंदरूनी मामला है जिसमें हम किसी भी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। और दूसरी बात, जब लद्दाख को एक सेपरेट ड्यूटी बना दिया गया तो इस पर भी चाइना की तरफ से भी अपोज किया जा रहा है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन वा चुंग ने कहा है कि अभी इंडिया की तरफ से इलीगली चाइनीज टेरिटरी को अपना बताया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं, और इसी वजह से अभी इंडियंस को मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा है। तो डायरेक्टली चाइना अभी लद्दाख को भी अपना हिस्सा बताने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको हर बात के बीच में अपने टांग अड़ाने की बुरी आदत होती है, लेकिन वो बात अलग है कि इनकी साइज थोड़ी सी छोटी है। जिसको समझ में आया होगा वो अभी हंसने लगेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। ये लोग वेस्ट चाइना बोलकर कभी अरुणाचल प्रदेश को तो कभी लद्दाख को अपना हिस्सा बताने की जरूरत करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तिब्बत भी इनका हिस्सा नहीं है। अगला अपडेट इंडिया और पाकिस्तान को लेके है। एक्सप्रेस यूके में एक अपडेट के मुताबिक इमरान खान के पास अभी 32 से 40,000 के आसपास जिहादी मौजूद हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जंग छेड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर कमिश्नर शमसुल हुसैन ने मीडिया को बताया है कि वर्तमान के हालात को देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ने वाली, क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया उससे पाकिस्तान काफ़ी नाखुश है, और पाकिस्तान अभी बोथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री वे में भारत का सामना करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास 32 से 40,000 जिहादियों की फौज मौजूद है, जो कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में धावा बोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और आने वाले एक या दो महीनों के अंदर परिस्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।